क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर हवाई जहाज उड़ान क्यों नहीं भरते, या फिर डीजल इंजन की ट्रेन का माइलेज कितना होता है, या फिर सड़क पर लगे पेड़ों को सफेद रंग से क्यों रंग दिया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताने वाले हैं। नंबर एक, दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी ट्रेन में यात्रा जरूर की होगी, और जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन से जुड़े अनेकों सवाल आते हैं। इन्हीं सवालों में से एक है कि ट्रेन का इंजन कितना माइलेज देता है। वैसे तो भारत के ज्यादातर हिस्सों में डीजल इंजन को हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन को लगा दिया गया है, लेकिन हम आपके सवाल का जवाब फिर भी देंगे। ट्रेन के इंजन का माइलेज कई चीजों पर निर्भर करता है। डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। 24 कोच वाली एक्सप्रेस ट्रेन में जो डीजल इंजन लगा होता है वो भी 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देता है। अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ यात्रा करे तो उसकी माइलेज 4.5 लीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के माइलेज में अंतर इसलिए होता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है और उसमें ब्रेक और एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन का माइलेज एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले कम होता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप काफी कम होते हैं और उनमें ब्रेक और एक्सेलरेटर का कम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ समझे मेरे भाई। नंबर दो, आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन रुकने के बावजूद भी ट्रेन के इंजन को बंद नहीं किया जाता है। ऐसा करने के पीछे की वजह यह है कि इसको दोबारा स्टार्ट करने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा इंजन बंद करने पर ब्रेक पाइप का प्रेशर काफी कम हो जाता है, जिसे दोबारा उसी पोजीशन पर लाने में काफी समय लगता है। ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने में ज्यादा डीजल खर्च नहीं होता है, इसको स्टार्ट करने में उतना ही डीजल लगता है जितना बाइक या स्कूटर में। नंबर तीन, बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि हिमालय पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन शायद ही आप लोगों को पता हो कि हिमाचल के ऊपर से कभी भी कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। दरअसल हिमालय का मौसम काफी खराब रहता है और लगातार बदलता रहता है, जो हवाई जहाजों की उड़ान के लिए अनुकूल नहीं होता। हवाई जहाज में लोगों के हिसाब से एयर प्रेशर सेट किया जाता है, लेकिन हिमालय में हवा की असामान्य स्थिति यात्रियों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हिमालय पर नेविगेशन की सुविधा मौजूद नहीं है, ऐसे में आपात स्थिति में हवाई जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते। साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आसपास एयरपोर्ट भी मौजूद नहीं है। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि हिमालय के ऊपर हवाई जहाज उड़ान क्यों नहीं भरते हैं। नंबर चार, सड़क पर जाते समय सड़क किनारे पेड़ लगे तो आप सभी ने देखे होंगे। उन पेड़ों के तने को यानी नीचे साइड पर सफेद रंग से रंगा भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल पेड़ों को जिस सफेद चीज से रंगा जाता है वो चूना है, जिससे पेड़ सुरक्षित रहते हैं। विज्ञान की माने तो चूना पेड़ के लिए बहुत उपयोगी होता है। जब पेड़ों के तने को चूने से रंगा जाता है तो चूना अच्छी तरह से निचले हिस्से में पहुंच जाता है, जिससे पेड़ों में कीड़े या दीमक नहीं लगते हैं और पेड़ की उम्र बढ़ती है। इसके अलावा पेड़ों का सफेद रंग से रंगा होना रास्ता बताने का काम भी करता है, जिससे रात में सड़क पर चलना आसान हो जाता है। सफेद रंग अंधेरे में गाड़ी की लाइट पड़ते ही दिख जाती है, जिससे ये पता चलता है कि रास्ता कितना लंबा और सड़क कितनी चौड़ी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।